हम सभी के मन में, हम सभी के दिल में कहीं ना कहीं हमारा बचपन छुप कर बैठा होता है और बचपन की वो सारी चीज़ें करना चाहता है जब समय मिलता है, उसी में से एक चित्रकारी है। तो हम सभी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय अपनी कला के लिए निकाल सकते हैं और हम सभी के मन में वो ये बातें रहती भी हैं। तो आज हम उसके बारे में कुछ बारीकियों को बताऊँगा मैं कि कैसे हम अपनी कला को आसानी से कर सकें, अपने आर्ट फॉर्म को जीवित रख सकें। तो सबसे पहले चित्रकला की मैं बात करूं अगर, तो उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि चित्रकारी हम कैसे शुरू करें, पेंटिंग हम कैसे शुरू करें। तो उसके लिए सबसे पहले पेंसिल और पेपर की ज़रूरत है और आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए उसमें आप पेंसिल से ट्रायंगल, लाइनें और स्क्वायर ये सब खींचते रहें, रोज़ लगभग 10 या 15 मिनट उसको दें। इससे आपके हाथ में एक मजबूती आएगी और आपकी लाइन कभी टूटनी नहीं चाहिए, फ्लो के साथ में चलनी चाहिए। और न्यूज़पेपर हो गया या कुछ ख़राब पेपर हो गए, और हमेशा अपने पास एक स्केच बुक रखनी चाहिए कि कुछ भी मन में आई तो उसको हमें ड्रॉ कर लेनी चाहिए। ये तो दो तरीके से, एक तो हमारा अभ्यास होगा, दूसरी हमारी स्मृतियों में वो चीज़ें बसी रहेंगी। और उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम लाइनों से शुरू करें। कोई आकृति अगर हम देख रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कॉपी वर्क करें। शुरू में हमें कॉपी वर्क देखना होता है या लाइव कोई स्केच देख रहे हैं तो उसको बनाना होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि हम चीज़ों को हूबहू उतारने की कोशिश करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि आप एक चित्र है और इसे मैंने लाइन से किया है। एक लेडी है जो नीचे कमल को निकाल रही है जल से, और ये ट्रेडिशनल स्टाइल में है, शास्त्रीय परम्परा में है। लेकिन इसमें यह है कि ये आसान होता है, इसमें आपको कलर की भी ज़रूरत नहीं है, और आपके पास एक पेन हो, वाटरप्रूफ पेन आते हैं, जेल बहुत सारे पेन आते हैं, उनसे आप ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पेन का यूज शुरू में नहीं करना है, बाद में करना है। शुरू में तो सबसे पहले आपको पेंसिल पे काम करना है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, इसके बाद में फिर पेंसिल कलर हमें लेना चाहिए, क्योंकि पेंसिल कलर में जब हमें पेंसिल शेडिंग आ जाए तो हमें पेंसिल कलर में करना चाहिए। तो कोई भी आकृति हम देखते हैं, कोई कॉपी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से कलर प्रयोग किए गए हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस माध्यम में है, किस मीडियम में है। तो हम पेंसिल में करें, जब हमारा चित्र अच्छा बनने लगे, बेहतर, तो हमें वाटर कलर का यूज करना चाहिए। वाटर कलर एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, और इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन जब चित्र आपके बनेंगे तो बहुत ही प्यारे बनेंगे। इसमें आप देख रहे हैं घाट की पेंटिंग है, और इसमें ट्रांसपेरेंट ये होता है, ओपेक नहीं होता। ओपेक का मतलब एक कलर पे ओवरलैपिंग आप नहीं कर सकते हैं, और एक ही बार कर सकते हैं, जब वो आप बना रहे होते हैं पेंटिंग, और जब डार्क कलर हो जाता है तो उस पर आप लाइट नहीं कर सकते हैं। इसमें लाइट टू डार्क चलना होता है, और जितना भी आपको सफ़ेद पेपर इसमें दिख रहा है उसमें आपको वाइट कलर नहीं लगाना होता है, वो आपको पेपर ही छोड़ना होता है। तो वाटर कलर के अभ्यास से आप इसको नियमित रूप से कर रहे हैं अगर यदि, तो धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि वाटर कलर का प्रोसेस क्या है। और ब्रश उसके लिए जो यूज होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं इसके हेयर, और ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। ये तो सोनाई का ब्रश है जो गिलहरी के पूंछ से बनाया जाता है, अभी तो इस पर बैन है, लेकिन कहीं कहीं मिलते हैं ये। इसके अलावा भी मिल्टन के ब्रश आते हैं जो बहुत ही स्मूथ होते हैं, वो आसानी से मिलते हैं, उससे सस्ते भी होते हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी वाटर कलर है, इसके लिए पेपर जो है वो कार्टिज पेपर होता है। शुरू में सीखने के लिए कार्टिज पेपर होता है, जो आपको 10 रुपये में पूरी शीट मिल जाती है, बड़ी सी, इसके 4 भाग इस तरह से निकलेंगे उसमें से, तो इसमें से आप कर सकते हैं। और पोस्टर कलर की अब हम बात करते हैं, तो पोस्टर और वाटर सेम है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है दोनों में कि पोस्टर कलर ओपेक है, आप एक कलर के ऊपर में दूसरा कलर चढ़ा सकते हैं, और मोटा कलर या थिक कलर लगाया जाता है, लेकिन वाटर कलर में एक ही बार में आप इसमें कलर लगा सकते हैं। तो पोस्टर कलर में जैसे आप ग्रीन के ऊपर में येलो कर सकते हैं, और येलो के ऊपर में वाइट कर सकते हैं, काफ़ी इसमें संभावनाएं होती हैं कि आपकी पेंटिंग ख़राब नहीं होगी और आप पूरा दिन उसमें पेंटिंग कर सकते हैं। तो पोस्टर कलर के लिए भी यही ब्रश यूज होता है जो वाटर कलर में यूज होता है। और पोस्टर कलर की ये पेंटिंग है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने ये है। तो इस पेंटिंग में जो वाइट कलर दिख रहा है या जो रेड कलर दिख रहा है ये सब यूज किए गए हैं, और इसमें पेपर नहीं छोड़ना होता है आपको, तो एक कलर के ऊपर में दूसरा कलर आप चढ़ा सकते हैं आसानी से। अगली पेंटिंग है, ये भी लैंडस्केप आप देख रहे हैं, इसमें भी वाइट कलर जो दिख रहा है वो सब लगाया गया है ऊपर से, और इसमें ओपेक कलर है, एक दूसरे के ऊपर में आप ओवरलैप कर सकते हैं। तो
इस तरह से पेंटिंग आप आसानी से कर सकते हो। इसमें 0 नंबर 000 से लेकर के आपको 10 नंबर तक मिलते हैं, उसके बाद में फिर फ्लैट ब्रश आते हैं। तो छोटी पेंटिंग बनाने के लिए मुझे लग रहा है कि 0 नंबर आपके पास हो, फिर 4 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, इतने ब्रश हैं तो इससे आप प्रयास कर सकते हैं। और शुरू में आपको कॉपी वर्क करना चाहिए कि इस तरह के आपके कहीं भी चित्र मिलते हैं तो आप इससे प्रयास करिए और बेहतर बनेगा। इसमें घबराने की, पोस्टर कलर में थोड़ा भी घबराना नहीं चाहिए कि ये पेंटिंग हमारी ख़राब होगी, क्योंकि कितना भी ख़राब हो जाए फिर उसमें संभावनाएँ होती कि आप अच्छा कर सकते हैं। अब आती है बात एक्रेलिक कलर की। एक्रेलिक कलर ऑयल कलर का भाई हम कह सकते हैं, और एक्रेलिक कलर अभी आसानी से उपलब्ध है हम सभी के बीच में। ऑयल कलर क्या होता था कि ऑयल कलर में आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था, और वो सिर्फ कलाकार ही उसको करते थे अपने स्टूडियो में। उसमें ऑयल से ही आपको पेंटिंग भी करनी होती थी, ऑयल से आपको ब्रश धुलने होते थे और ब्रश रोज़ धुलने होते थे, और उसका जो स्मेल है वो भी कमरे में फैला होता था, कुछ लोगों को एलर्जी भी होती थी। तो अभी एक्रेलिक कलर ऐसा है कि आप ये एक्रेलिक कलर में आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग है, और इसमें सबसे अहम बात जो होती है कि आप इसको पानी से भी कर सकते हैं, इसको ऑयल से भी कर सकते हैं, इसको पेपर में भी कर सकते हैं, कैनवस पर कर सकते हैं, कपड़े पर कर सकते हैं, दीवार पर कर सकते हैं। तो मार्केट में एक्रेलिक कलर उपलब्ध है, और मेरे पास में उसका सैंपल भी है, मैं आपको दिखला देता हूँ। ये है, इसका छोटा भी पीस आता है, ये तो बड़ा है, और ये लगभग 250 का है एक कलर। तो इससे छोटे भी आते हैं, आप कर सकते हैं, उससे भी छोटे आते हैं, तो आप मार्केट में जाएं एक्रेलिक कलर मांगे तो गए तो आपको मिलेगा। ये वाटर कलर है, वाटर कलर का ये ट्यूब है, इसमें भी आर्टिस्ट कलर और स्टूडेंट कलर दो क्वालिटी आते हैं। तो आप शुरू में स्टूडेंट यूज करिए, उसके बाद में आर्टिस्ट यूज करिए, और उसके बाद में फिर ये भी एक्रेलिक के हैं, ये छोटे छोटे पेंटिंग भी आप कर सकते हैं। और ये लैंडस्केप है, बैकग्राउंड में नीला कलर, फिर एक गांव का दृश्य है, ये सनसेट का एक है, एक चित्र इकाशी का चित्र है जिसमें नीचे एकदम ऑरेंज कलर करके ऊपर से ब्लैक कलर का आउटलाइनिंग कर दिया गया है। तो ये मात्र 10-15 मिनट में एक पेंटिंग बन गई है। तो आपकी हैंडलिंग है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, और एक्रेलिक कलर से आप कैनवस पे भी कर सकते हैं। पेंटिंग हमारे सामने ये है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो शकुंतला का चित्र है, और इसमें हमने एक्रेलिक कलर से काम किया है। इसमें थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे आप करते हैं पेशेंस के साथ में, तो 1-2 दिन में पेंटिंग आप पूरा दिन अगर करें तो पूरा हो जाता है, नहीं तो हफ्ते में भर करिए कि कुछ 2-4 घंटे करिए। तो इस तरह से आप पेंटिंग अगर करना चाहते हैं तो आपको डरने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, और आज तमाम माध्यम उपलब्ध हैं। पेंसिल से आप शुरुआत करिए, और उसके बाद में कलर में उसको पेंसिल कलर में अप्लाई करते हुए, और वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, फिर मन हो तो ऑयल कलर में भी कभी करिए, और कैनवास से लेकर के और पेपर तक आपके पास में तमाम माध्यम उपलब्ध हैं, तो आप करिए। और अपने मित्रों को भी कभी गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा गिफ्ट कहीं आपको मिलेगा नहीं। और जो पेंटिंग की सबसे खासियत बात है कि ये बड़े प्रभावकारी होते हैं। आप कमरे में अगर लगा देते हैं पेंटिंग, तो सच में वो मन से अगर बनाया गया है तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ, कोई ना कोई जो एक शक्ति है जो आप महसूस करते हैं, भाव आपको हमेशा दिखलाई पड़ेगा, और जो देखेगा उसको भी दिखलाई पड़ेगा। तो इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार।